रन मिलता हुआ और अभी 11 गेंदों में 27 रन। बिल्कुल ही पांचवा विकेट मिल सकता था मुझको इस बार। तैयार फिर से, फिर से बल्ला घुमाया लेकिन गेंद बल्ले का किनारे लेकर शरीर से टकराई वापस। गेंदबाज के पास नहीं रह लेने का कोई मौका नहीं। 10 गेंद 27 रन निश्चित ही। यहां से बड़े स्ट्रोकों की आवश्यकता दिल्ली को। वहीं फील्ड में लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तैयार इस बार वाइड यॉर्कर की कोशिश और बिल्कुल टप्पे पर गेंद अशरफ। हम उन तमाम जिला क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों का धन्यवाद देते हैं सिवान वासियों के तरफ से जिन्होंने ये आयोजन किया। इसी बीच फिर से यॉर्कर गेंद बिल्कुल जड़ में, ज्यादा कुछ कर नहीं सके। एक रन लेने का मौका वहां तेज फील्डर रवि शर्मा पहुंचे। स्कोर बढ़ता हुआ 132। शमशेर अहमद साहब, अजय तिवारी जी, आर के द्विवेदी जी, इन तमाम 8 गेंद 26 रन जिला क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों का धन्यवाद। 8 गेंद यहाँ से 26 रन बनाने अभी भी 6 गेंदों पर 25 रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए दिल्ली को। सामने शशि शेखर। अशरफ एक महत्वपूर्ण सूचना है, 4 जनवरी 2022 को पहली गेंद और बीत करा है वहां रन आउट का प्रयास लेकिन सफल न हो सके। 5 गेंद 25 रन अशरफ। 4 जनवरी 2022 को जो बच्चियों का मैच रखा गया था वो मैच प्रशासन अनुमति तथा कुछ कारणों के वजह से रद्द किया जाता है। 4 जनवरी 2022 को जो मैच रखा गया था बच्चियों का रद्द किया जाता है। इसी बीच शशि तैयार अगली गेंद। इस बार स्लैश कर दिया वहां फील्डर मौजूद एक रन। तो अब क्या 4 गेंदों में 4 छक्का लगा सकते हैं रंजीत सिवान। क्रिकेट में कुछ भी होना संभव। लेकिन काबिल जरूर रंजीत का जहां तक नाम मेरे कानों में पड़ता है। 19 गेंदों में 83 रन की पारी खेली थी। तो अब देखना होगा क्या 4 गेंदों में 4 छक्का लगा। 2000 रुपए की राशि दी जाएगी। तो इस छक्के अगर छक्का लगता है तो 2000 फ्री हिट का मौका। क्या रंजीत तैयार। चौका आता हुआ इसी बीच। तो 3 गेंदों में 19 रन और अगर 3 गेंदों पर 3 छक्के आते तो सुपर ओवर का भी नजारा आप दर्शकों के बीच दिखा पाएंगे। कुछ भी होना संभव यहाँ से। काबिलियत जरूर इस बल्लेबाज के पास। इसी बीच शशि तैयार काफी अनुभव रखा है अपनी गेंदबाजी की। जहां तक बात की जाए शशि शेखर ने तैयार। इसी बीच गेंद ऊपर देखना होगा चौका आया इसी बीच। तो अब 2 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता और यहाँ डॉट पर आती है अपील की गई लेकिन सिरे से नकारा अंपायर ने। तो अंतिम में क्षणों में भी काफी
उत्साह से भरे गेंदबाज शशि शेखर, सारे ग्राउंड्समैन जितने वॉलंटियर्स हैं मंच के पास आ जाएं। हम एम्पायर से चाहेंगे कि 2 मिनट का समय ले लें। स्टार विजय सिवाना, जितने भी जूनियर बच्चे हैं टेस्ट एकेडमी और दानिश एकेडमी के, वो मंच के पास आ जाएं। राउंड में आप अंतिम गेंद इस प्रथम डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब क्रिकेट मेमोरियल टूर्नामेंट का, जिसका सामना करेंगे रंजीत और गेंदबाज होंगे शशि शेखर, तो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा सिवान। और ये क्या शानदार स्कोर, गेंद देखना होगा, बॉल गेंद वापस कर दे दर्शक, नहीं करें आप बच्चे, प्लीज आपसे आग्रह आप लोग ग्राउंड नॉट, तो आज प्रथम डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल के विजेता घोषित हुए हैं। गोपालगंज बेहद ही शानदार मुकाबला देखने को मिला फाइनल में, उत्तर हाउस बड़ा, लेकिन अंतिम क्षणों में अपने नफ्स पर कंट्रोल करती हुई गोपालगंज बारह रनों से ये मैच में जीत कर इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ा मंच आप सभी दर्शकों का स्वागत करता है, अभिनंदन करता है आप सभी इस टूर्नामेंट से जुड़कर इसे इतना सफल बनाया।